नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय से मैं आपको B2B रीसेलिंग बिजनेस मॉडल के बारे में समझा रहा हूँ और काफ़ी मेरी वीडियो आई हैं और बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अगर हम B2B रीसेलिंग बिजनेस करें तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कम समय में कमा सकते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की है और मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि अगर आप B2B रीसेलिंग बिजनेस करती हो तो एक एक दिन में आप 25 से 30 हज़ार रुपये काफ़ी आसानी से कमा सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट थे और जो सबसे बड़ा डाउट है वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ जो पर्सनली मैं उसे यूज करता हूँ। लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि हम B2B रीसेलिंग बिजनेस इंडिया मार्ट के थ्रू कर लेंगे या हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हैं उनके साथ कर लेंगे। लेकिन एक दिक्कत सबसे बड़ी आती है बिलिंग की। जो बिल कस्टमर को जाएगा वो किस रेट पे जाएगा, क्योंकि जो बिल जाता है वो GST के साथ बिल जाता है। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि रोहित भाई एक बात बताइए कि जब हम B2B रीसेलिंग बिजनेस करेंगे और जो माल कस्टमर को जाएगा, अगर हम सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को ये बोलते हैं कि आप माल को बिना बिल भेज दीजिए तो वो मना कर देता है। बहुत कंडीशन में कुरियर कंपनी ना बिल के माल को भेजने से मना कर देती है। यानी कि जो B2B बिजनेस होते हैं या जो बल्क में स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसके लिए बिल देना जरूरी होता है। क्योंकि कभी भी कुरियर की जो गाड़ी जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी जब चेकिंग हो तो वो लोग बिल दिखा सकें कि इसके अंदर क्या क्या सामान है और कितनी क्वांटिटी का है, सारी डिटेल दिखा सकें। तो ऐसी कंडीशन में बिल लगाना जरूरी होता है B2B बिजनेस में। लेकिन अगर उसी जगह आप B2C करते हो, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर रीसेलिंग करते हो, सिंगल पीस में करते हो, तो उस समय पर कोई भी बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छोटी सी क्वांटिटी होती है और सिंगल ऑर्डर होता है। तो इसे B2B यानी कि बिजनेस के यूज में नहीं दिखाया जाता, ये पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर्सनल यूज के लिए ये प्रोडक्ट भेजे जा रही हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप B2B रीसेलिंग बिजनेस करते हो या करने की सोच रहे हो तो ये बिलिंग वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं पर्सनली करता हूं, मैं क्या करता हूं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। जब मैं इंडिया मार्ट से किसी भी डीलर के साथ डील करता हूं, मैं डीलर को सर्च करता हूं तो उन्हीं का GST नंबर पहले ही मैं ले लेता हूं। जब मेरे पास कोई B2B में सामान खरीदने के लिए कस्टमर आता है तो मैं उन्हीं का GST नंबर उनको भेज देता हूं कि ये हमारा GST नंबर है और हम आपको माल भेजेंगे। उसके बाद जब भी हमारी डील फाइनल होती है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए का है और 100 रुपए का मेरे को वो मिल रहा है मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, जो कि मैंने इंडिया मार्ट से सर्च किया है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ही जो इंडिया मार्ट पर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है उससे कंफर्म कर दूंगा कि ये इस पर GST लगा हुआ है या नहीं। अगर लगा हुआ है तो कितना परसेंट लगा हुआ है, या अलग से लगाओगे तो कितना परसेंट आप लगाओगे। अगर उसने कहा कि हम 10% एक्स्ट्रा GST लेंगे 100 रुपए के प्रोडक्ट पर, तो मेरे को पता चल गया कि प्रोडक्ट की जो रेट होने वाली है वो 110 रुपए होने वाली है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसी प्रोडक्ट को आगे कस्टमर को बताऊंगा कि 130 का 140 का पर पीस पड़ेगा, प्लस आपको 10% GST भी देना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे को कस्टमर की साइड से 100 पीस का, 200 पीस का, 250 पीस का ऑर्डर आ जाता है, तो मैं कस्टमर से उसकी डिटेल ले लेता हूँ और उससे पूरा पेमेंट ले लेता हूँ GST समेत, जितना भी उस पर GST लग रहा है। उसके बाद मैं सीधा मैन्युफैक्चरर को बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट पर आप इतनी MRP या इतनी बिलिंग करिए, मैं जो अमाउंट बताता हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा आप बिलिंग कर रहे हो उसका GST जितना भी होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हर प्रोडक्ट पर जो मेरा मार्जिन होता है 20 से 30 रुपए होता है, और 20 से 30 रुपए जो मार्जिन होता है, अगर उस पर 10% GST लग भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपए मार्जिन है तो 3 रुपए मेरे को और देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मेरे को 27 रुपए पर पीस पर बच जाएंगे। तो इस तरीके से ये तो हुआ कि मैं उनसे बोल देता हूँ कि आप इतना ज़्यादा रेट में प्रोडक्ट की बिलिंग करिए जिससे मेरा प्रॉफिट जो हो वो कभी भी उस कस्टमर को पता ना चल पाए, और जो GST होता है वो मैं ऑलरेडी कस्टमर से ले चुका होता हूँ तो उस GST का भार मेरे पे नहीं आता, बल्कि वो कस्टमर पहले ही पे कर चुका होता है, और बिलिंग भी मैं उससे ज़्यादा की बनवा देता हूँ तो मेरी दोनों साइड मैनेज हो जाती हैं। इसके अलावा
मैं क्या करता हूँ बहुत बार, जैसे मेरे को लगता है कि मेरे को जीएसटी ज़्यादा देना पड़ रहा है, बहुत जगह 18-18% जीएसटी जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कस्टमर के साथ डील कर लेते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट की बिलिंग की जाएगी वो कम की जाएगी। पहले ही मैं कस्टमर को बता देता हूँ कि देखो बिलिंग आपकी कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम बिलिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो कस्टमर कह देता है कि एक काम करिए, जो प्रोडक्ट अब मैं 150 का सेल कर रहा हूँ, मैं उसको बोल देता हूँ मैं इसकी बिलिंग 100 रुपये पर पीस के हिसाब से दिखाऊंगा, जिससे मेरे को ज़्यादा जीएसटी ना देना पड़े। तो वो मान जाते हैं, उन्हें पता होता है कि बिल से हमें इतना फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो वो लोग 100 रुपये के बिल को भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और पेमेंट 150 रुपये पर पीस के हिसाब से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं डीलर या जो मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर होता है उनसे बोल देता हूँ आपकी जो रेट है उसी पर बिलिंग करिए और कस्टमर को भेजिए। लेकिन कस्टमर को पहले ही समझा देता हूँ कि बिलिंग कम की होकर आएगी, जितनी मैंने रेट बताई है वो है जीएसटी को बचाने के लिए। तो इस तरीके से इन दोनों पहलुओं को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो जितने भी लोग, बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये सक्सेस नहीं है, B2B रीसेलिंग बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा ये बिलिंग के इशू की वजह से। देखो कुरियर करने के लिए मानते हैं बिलिंग की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट पर माल डालने के लिए भी बिलिंग की जरूरत है, और पक्का बिल होना जरूरी भी है, वरना माल फंसेगा तो आप तो नहीं फंसोगे लेकिन आपका जो मैन्युफैक्चरर और डीलर है वो जरूर फंस जाएगा। इस वजह से पक्का बिल बनवा लीजिए। बस दो ट्रिक जो मैं अप्लाई करता हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि इस तरीके से मैं बिलिंग को करवा लेता हूँ। तो दोनों में ही फायदा है, आप पूरा बिल बनवा लो तो भी फायदा है, आप उसमें से लेस पे बिल बनवा लो तो भी फायदा है। बस आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस कस्टमर को समझा पाओ, उसे कन्वेंस कर पाओ अपनी डील के लिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरर को समझा दो। और एक दो डील जब आपकी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के साथ हो जाती हैं तो उसके बाद वो अपने आप समझ जाती हैं, आगे से आपके साथ अपने आप वो डील करती हैं। स्टार्टिंग की 3 डील में मेरे जो एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग की 3 डील में थोड़ा सा इशू आता है, 4th डील से पहले आपका मैन्युफैक्चरर या आपका होलसेलर आपको अच्छे से जान जाता है और आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस बिलिंग को मैनेज करने के लिए, और आपकी और कुछ भी ऐसे दिमाग में सवाल हो तो कमेंट कर देना, इन फ्यूचर कोई वीडियो आएगी तो उसमें आपके सवाल को मैं इंक्लूड कर दूंगा और आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।